हम कह रहे थे ना इसको पॉट छोटा पड़ रहा था तो वो रखी है और बहुत ही अच्छा कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद बस गार्डन में करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं तो उसी में आज हम आपको बताएंगे कि हमारे गार्डन में अब कितना इम्प्रूवमेंट हो चुका है, कौन कौन से प्लांट के अंदर नई पत्तियां आ चुकी है, तो जो हमने पहले बीज लगाए थे फूलों के वो अब कितने बड़े हो गए हैं वो आज हम बताएंगे और उनको भी हम ट्रांसप्लांट करेंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मम्मी गार्डन चैनल और हम कर रहे हैं 180 दिन में गार्डन ट्रांसफॉर्म। अभी आपको हमारा जो गार्डन है वो थोड़ा सा अव्यवस्थित दिखाई दे रहा होगा, उसके पीछे कारण ये है कि अभी हमने इनके स्टैंड नहीं बनवाए हैं। तो आज सबसे पहले हम जो काम करने वाले हैं वो करने वाले हैं इफोमिया की जो बेल है जो हमने ये लगाई थी उनको हम ट्रांसप्लांट करेंगे। एक्चुअली वैसे तो बेल ट्रांसप्लांट नहीं करनी चाहिए लेकिन ये जिस पॉट में लगी हुई है वो पॉट इनके लिए बहुत छोटा पड़ रहा है इसलिए हम इनको करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारी रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं तो हमने पहले ये जो इपोमिया है वो हमने बीज से ग्रो किया था और ये हमने बीज मंगाए थे अमेजन से। तो यदि आप भी ऐसे ही बीज मंगाना चाहते हैं और फ्री में लगभग फ्री में आप प्लांट तैयार करना चाहते हैं आप हमारी वो बीज वाली वीडियो देख के इस तरीके से उनको मंगवा कर और आप ऐसे ही प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक ग्रो बैग लिया है, आई थिंक ये 15x12 का जो ग्रो बैग है वो हमने लिया है। इसके अंदर हमने जो सॉइल मिक्स रखा है वो है कोकोपीट 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा बर्मी कंपोस्ट और 1/3 हिस्सा सॉइल और थोड़ा सा हमने इसमें फंगीसाइड पाउडर मिला दिया है क्योंकि उससे इसके अंदर जो फंगस वगैरह है वो नहीं लगेगी। दोस्तों इसके बाद भी हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें हैं इस वीडियो में बताने के लिए कि कौन से प्लांट में कितनी ग्रोथ हो गई है और अब उसके अंदर क्या हो रहा है। तो अभी हम सब पे एक एक करके आएंगे लेकिन सबसे पहले हम इपोमिया को ट्रांसप्लांट कर लेते हैं। आपको ट्रांसप्लांट करने से पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये जो इपोमिया है ये काफ़ी बड़ा हो जाता अब तक तो, लेकिन हमने क्या किया था इसकी जो ऊपर की ये है पत्तियाँ ये चोट दी थी तो इसलिए ये नीचे से ही घना होने लग गया। अब देखो ये नीचे से काफ़ी इसके अंदर डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल आ चुकी हैं, ये इसीलिए आई है क्योंकि हम इसको ऊपर से चोटते हुए चले गए। तो अब भी हम ऐसा ही करेंगे क्योंकि हमें ज़्यादा लंबा नहीं करना है, हमारी जो ये बेल है हमें ज़्यादा लंबी नहीं पहुँचानी है, हमको इस तरीके से बनानी है कि ये नीचे से ही घनी लगे। तो अब हम ये चारों के चारों जो प्लांट है वो एक ही पॉट के अंदर ट्रांसप्लांट करने वाले हैं क्योंकि हमारे पास इतना स्पेस नहीं है कि हम इनके लिए चार अलग अलग पॉट लगा सकें। तो अब हम करना शुरू करते हैं। देखो ये पूरा का पूरा प्लांट आ गया है, हमने बिना इसको डिस्टर्ब किए इसके रूट सिस्टम को और ये हमने जो इसमें नीचे गट्टियाँ भर रखी थी ये गट्टियाँ हमने कुछ इस तरीके से हटा दिए इसके अंदर। तो बस हमें इसको उल्टा कर देना है प्लांट को पूरे को इस तरीके से और हल्का सा पीछे से हम टैप करेंगे तो देखो ये आ गया। और इसको हम ऐसे के ऐसे ही अब पॉट के अंदर रख देंगे। तो हमने तीन प्लांट इसके अंदर लगा दिए हैं, अब बारी है चौथे की। हम कह रहे थे ना इसको पॉट छोटा पड़ रहा था तो वो देखो ये साइड में चारों तरफ इसके रूट्स ही रूट्स हैं तो इसलिए प्लांट डेवलप नहीं हो रहा था। तो इसलिए अब हमने इसको निकाल लिया है, अब इसको यहाँ पे काफ़ी स्पेस मिल जाएगा। अब ये हमने इसके रूट सिस्टम को बिल्कुल भी छेड़ा नहीं है, अब इसमें हम ऊपर से मिट्टी डाल देंगे बस, जो हमारा सॉइल मिक्स है हम वो डाल देंगे मतलब। बारी है और प्लांट्स के बारे में बात करने की तो मैं आपको कुछ अपडेट्स दे देता हूँ कि हमने जो और प्लांट्स लगा रखे हैं जैसे हमने ये बीलपत्र का लगा रखा है तो आप देखिए बीलपत्र में फ्रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसी तरीके से आपको मैं बता देता हूँ ये हमने मौसमी लगा रखी है और मौसमी में भी नई फ्रूटिंग होने लग गई है, ये देखो इसमें मौसमी आ रही है, इनको बोलते हैं चवन्नी मौसमी।
और फिर मैं आपको बता देता हूँ, ये जो हमारा पुदीना है वो अब इस वाले में काफ़ी बड़ा हो गया है, और ये एक टाइप में पालक टाइप में होता है, ये एक्चुअली बेल होती है, लेकिन हमने इनको सबको ऊपर से ट्रिम कर दिया इसलिए ये बढ़ नहीं पाई है। और इनको हम जैसे एक हमारे यहाँ पे छाछ की एक सब्ज़ी बनती है जिसे कड़ी बोलते हैं, तो उसमें हम इनको यूज करते हैं, बहुत टेस्टी ये लगते हैं। ये हमारा नींबू का, ये आप देख लो अनार के में अनार फूल आ रहे हैं। तो ग्राफ्टेड पौधे लाने का यही सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। वो खीरा की बेल देखिए आप कितनी बड़ी हो चुकी हैं ये यहाँ पे, और ये है लौकी की बेल, हमने इसकी 2G कटिंग की है, मतलब इसके जो 12 पत्ते हो गए थे तो हमने ऊपर से चौट दिया है, अब इसके बाद इसमें नए पत्ते निकल आए हैं और नीचे से भी ये निकलने लग गई है। तो इस तरीके से अब हमारे सब्जियों में भी थोड़ा बहुत हमको अब अच्छा रिजल्ट दिखाई दे रहा है। देखिए ये भिंडी का पौधा है, काफ़ी बड़ा हो चुका है भिंडी का पौधा भी। दोस्तों ये अंजीर देखिए, इसमें से एक अंजीर आ भी चुका था लेकिन वो कच्चा टूट गया। अब अंजीर के पत्ते आप देख लीजिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं। ये देखिए बैंगन, और हमारे एक व्यूअर ने हमको कमेंट किया था कि आप सब्जी भी उगाइए, तो तब से ही हमने सब्जियाँ स्टार्ट की थी, और हमने बहुत कम लेवल पे सब्जियाँ स्टार्ट की थी, लेकिन हमारे पास में काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं सब्जियों के। ये देखिए ये बैंगन लगे हुए हैं हमारे पास में, अब पता चलेगा कि बैंगन में कौन सा हमारा प्लांट हमारा सर्वाइव करता है और कौन सा नहीं करता। और ये देखिए मैं आपको यहाँ भी दिखा देता हूँ, ये हमारी सारी सब्जियाँ लगी हुई हैं यहाँ पर, अभी बहुत छोटे प्लांट हैं लेकिन अभी पता चलेगा कि कितने हमारे सर्वाइव करते हैं और कितने नहीं करते हैं। दोस्तों ये एक ऑल स्पाइस का प्लांट है, ये हमारे पास ऐसे 3 प्लांट है, तो ये बहुत ही अच्छा प्लांट मुझे लगता है क्योंकि इसके अंदर आपका सारे मसालों का स्वाद आता है। नर्सरी वाले जाके ऑल स्पाइस का प्लांट भी मांग सकते हैं, वो आपको तेज़पत्ता या दालचीनी में कंफ्यूज कर सकता है कि नहीं ये तेज़पत्ता है, लेकिन आपको उससे कहना है कि हमें ऑल स्पाइस के ही पत्ते चाहिए। और इसके पत्ते मैं आपको बता देता हूँ, एकदम थोड़े से ऐसे लंबे लंबे से आते हैं और इस तरीके से चिकने चिकने से आपको लगेंगे इसके पत्ते, और आप अपनी सब्जी में सिर्फ एक पत्ता डाल लीजिए, उसी से आपको काफ़ी अच्छा मसालों का टेस्ट आने वाला है। ये आपका ड्रैगन फ्रूट है, ये केले का पेड़ जो अब अपना आकार ले रहा है, देख लीजिए आप इसके पत्तों की साइज़ कितनी हो गई है। तो इस तरीके से अब हमारे गार्डन में हमको बताने के लिए बहुत कुछ है। ये हमारे पास अपराजिता की बेल है जो इतनी बड़ी हो चुकी है, इनको हमने इसको ऊपर से तोड़ दिया है इसको भी, क्योंकि ये लंबी बहुत जा रही थी तो हमें लंबी नहीं करनी है, हम नीचे से इसको घनी बनाने वाले हैं। तो देखो आप नीचे से काफ़ी घनी हो चुकी है ये। तो इसी तरीके से अब बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एक वीडियो में कवर करेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो में अब कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपको हमारा ये कॉन्सेप्ट 180 डेज की जर्नी पसंद आ रही है तो मम्मी गार्डन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।